तो जिसका हम सबको इंतजार था, फाइनली वो रिजल्ट जो है वो आ ही चुका है। आपको बता दूं कि अभी इस समय जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं वो है टॉप थ्री के। तो आखिर कौन है टॉप थ्री में, कौन इविक्ट हो चुका है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश खान। इस समय एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि यार बिग बॉस का घर, और आज ये घर जो है किसी युद्ध मैदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आज फिनाले है और फिनाले में पांच लोग थे, बेबिका, पूजा, मनीषा, अभिषेक, एल्विश, ये पांच लोग इस समय फिनाले के दावेदार थे। लेकिन इन पांच में से दो लोग इलेक्ट हो चुके हैं, बचे अब सिर्फ तीन ही लोग हैं, यानी कि टॉप थ्री हिंदुस्तान की जनता को मिल चुका है। आपको बता दूं कि यार सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो ये टॉप फाइव बन कर आए थे, जो टॉप फाइव चुन कर आए थे। अब ये भी सेट पर हमारे कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ कलीग्स मौजूद हैं मेरे जो वहाँ पर रुके हुए हैं, उनके मुताबिक और उनके हिसाब से उन्होंने बताया है कि भाई एविक्शन जो है वो होना शुरू हो चुका है, दो लोगों का एविक्शन हो गया है और दूसरा एविक्शन 9:10 या 9:20 के आसपास पे होगा, उस पर भी हम आपको खबर देंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज़ समझ लीजिए कि भाई टॉप थ्री आ चुके हैं और टॉप थ्री हैं, सबसे पहले तो जो इविक्ट हुआ, नहीं टॉप थ्री बता देते हैं, टॉप थ्री हैं मनीषा रानी, एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान, और दो लोग जो इविक्ट हुए हैं वो है पूजा भट्ट और बिबिका दुर्वे। यानी कि इन दोनों का सफर जो है वो यहीं पे समाप्त हो गया, यहीं पे खत्म हो गया है। अब देखते हैं कि इसमें से, इन तीनों में से उसके बाद कौन इविक्ट होता है और कौन आगे बढ़ता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।